हेलो पीपल्स, दिस इज अगेन मधुसूदन पांडे फ्रॉम legallyprofessional.com ऑन डन योर स्टडीज। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो बंदे 12th पास कर लेते हैं, जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं, सो उनका अगेन एक सपना होता है कि आगे क्या किस कॉलेज में जाएं, उसमें क्या क्या कोर्स करें। तो उसमें छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम भी दे रहे हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि बेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेस क्या क्या मैनेजमेंट कोर्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं आफ्टर 12th क्लासेस के बाद, आप कौन कौन से मैनेजमेंट कोर्सेज में आप कर सकते हो। तो अगेन मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया। तो व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेज, सबसे पहले मैं 3 इयर्स की बात करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे इयर्स कम करते जाऊंगा मैं। तो 3 इयर्स में पहला है बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं बीएचए भी कहा जाता है इसको, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। 3 साल का कोर्स है, अगेन फुल टाइम कोर्स है। तो अभी जो मैं बात करूंगा सब 3 साल के कोर्स होंगे, ऑटोमेटिक अज्यूम करना है 3 साल के कोर्स है। क्या क्या मैनेजमेंट के कोर्स हैं वो सारी बात मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। दूसरा, अब ये सारे बीबीए वाले कोर्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, बीबीए वाले कोर्स बताने वाला हूँ आपको, याद रखना। बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्स बताने वाला हूँ। एक है बीबीए नॉर्मल बीबीए जो करते हैं, एक है बीबीए, ये सारे ऑनर्स वाले बताऊंगा, स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन डिजिटल मार्केटिंग, इन एंटरप्रेन्योरशिप, इन इवेंट मैनेजमेंट, इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इन फाइनेंस, इन फॉरेन ट्रेड, इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन होटल मैनेजमेंट, इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इन फॉरेन ट्रेड, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर के जो काम होते हैं, इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो स्टॉक्स को मेंटेन करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग को मेंटेन करते हैं, क्या कैंपेनिंग चल रही है मार्केट में, क्या स्ट्रेटजी है हमारी सेल करने की उसकी। उसके बाद इन रिटेल मैनेजमेंट, किस तरीके से हम सेल करें कस्टमर को, क्या डील कर रहे हैं उनके साथ हम, रिटेल मैनेजमेंट। इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेवल से रिलेटेड क्या क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं। टूरिज्म एंड ट्रेवल मतलब बाहर जाना, बाहर आना, उस चीज को मैनेज करने को बीबीए का कोर्स किया जाता है, उस चीज को, सब चीज को मैनेज करने के लिए। बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी फ्रेंड्स, कि अगर आपको ट्रेवल करने का बहुत अच्छा शौक है तो आप इस कोर्स को फर्दर तो जाने की सोच सकते हो। उसके बाद बीबीए इन ऑनर्स, मतलब ऑनर्स का फील्ड है, मतलब सब चीज को अच्छी तरह पढ़ाया जाता है इसके अंदर, ऑनर्स का बेसिकली मतलब ये होता है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगेन दूसरा टॉपिक है, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट बीटीटीएम इसको कहा जाता है। उसके बाद अब मैं इसमें बात करूंगा आपको 1 साल वाले कौन कौन से कोर्स हैं, 1 साल वाले भी हैं, 3 महीने वाले भी हैं, 6 महीने वाले भी हैं, 1.5 साल वाले भी हैं। पहले 1.5 साल की बात कर लेता हूं, 1.5 साल में पहला है डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड डिप्लोमा जो कस्टमर को डील कराया जाता है फ्रंट ऑफिस के बेस पर कराया जाता है। अगर फ्रंट ऑफिस वाले का बिहेवियर कस्टमर को अच्छा लगता है तो आगे पास ऑन होने की सोच सकता है, अदरवाइज वो वहीं से चले जाता है। तो अब 1 साल वाले कोर्स बताऊंगा मैं, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा वाले उससे उसको मैनेज करने के लिए क्या डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बिजनेस बंदे शुरू करते हैं उस चीज को मैनेज करने के लिए उसका डिप्लोमा जो किया जाता है, डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो डिप्लोमा किया जाता है। डिप्लोमा जो होता है इसकी एलिजिबिलिटी ये 1 साल के लिए होता है सिर्फ, ये कौन कौन से कोर्सेज कॉलेजेस हो सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जब अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप कमेंट करोगे जब भी मैं इस पर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जिस कोर्स के बारे में बताओगे मैं उस कोर्स के ऊपर डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ये मैं सोच रहा कि मैं लेके नहीं आऊंगा, जरूर अगेन लेके आऊंगा मैं उसके बाद। डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये
ये जो डिप्लोमा होते हैं इनके थोड़ी वैल्यू बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सी कम होती है, बट अगेन टाइम कंसंट्रेट एक साल का है, वो अगेन 3 साल का है, तो यहाँ का आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिल जाता है। अब 3 महीने की बात कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्सेस 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना मैनेज करना। अब आपको इसमें क्या डिप्लोमा है, इसकी अलग से पढ़ाई होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इवेंट्स मैनेज किए जाते हैं, ये अगेन एक नई फील्ड है अदर देन ट्रेडिशनल कोर्सेज। एक ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं जो आप रेगुलर करते हो जैसे बीकॉम बीए बीएससी बीबीए, पर ये अगेन एक लेटेस्ट फील्ड आती है आपके लिए, तो अगेन इसको आप करने की सोच सकते हो। बस यही सब सारे कोर्स है हमारे, बीबी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट ये 1 साल का कोर्स है, ये भी आप, मैं अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ आप इसको नोट कर लें, उसके बाद उन सबको सिंक्रोनाइज करें, मैं ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, अगर आप हमारी मेहनत को सफल बनाओगे तभी तो हमें लगेगा कि हाँ वी हैव ऑडियंस, तो हम नई नई वीडियो अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्द आने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, ऐसे ही पढ़ें और ऐसे ही पढ़ें।